नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज अपने करने वाले हैं इसमें गुरुत्वीय सौर ऊर्जा के लिए गॉस और पासवर्क समीकरण का निगमन। ये क्वेश्चन अपने के लिए करने वाले हैं। इसमें देखिए, आप पहले अपने गुरुत्वीय सौर ऊर्जा की बात करें, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी क्या होती है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार द्रव्य कणों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यह बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है, अंत तक हम इस बल का मान है वो शून्य मान सकते हैं। यही कारण है कि अनंत पर स्थित द्रव्य कणों को जब किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है, तब यह प्रभावी होकर आमने सामने आने लगते हैं, जिससे कण मिलकर एक पिंड का निर्माण करते हैं। और इस दौरान पिंड में जो स्थितिज ऊर्जा जमा होगी, उस पिंड की गुरुत्वीय सौर ऊर्जा कहलाएगी। तो गुरुत्वीय बल आकर्षण बल होते हैं, और इस प्रकार गणितीय दृष्टि से देखें तो इन्हें ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, और यही कारण है कि गुरुत्वीय सौर ऊर्जा को ऋणात्मक लिया जाता है और यह ऋणात्मक होती है। माना कि हमारे पास एक पिंड है, ठीक है, जैसे M1, M2, MJ तक द्रव्य कणों को मिलाकर बना है, इन द्रव्य कणों को मिलाकर बना हुआ है। और किसी भी कण को पिंड से अलग करने के लिए पिंड के दूसरे कणों के आकर्षण बलों के विरुद्ध काम करना होता है। किसी भी कण को पिंड से अलग कर से हमारा तात्पर्य है कि इसे पिंड से इतना दूर ले जाना जहाँ पिंड का क्षेत्र प्रभावशील न हो, और दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कणों को अनंत पर ले जाना ही होगा। तो इसका मीन ये हुआ। और डायग्राम की बात करें तो इसमें यह डायग्राम बनेगा। पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वीय फ्लक्स है और संरक्षी गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिंड के समस्त कणों को पिंड के स्थान से अनंत तक ले जाने से हमें जो कार्य करना होता है, वह निश्चित ही पिंड की गुरुत्वीय ऊर्जा के समान होता है। दूसरे शब्दों में, पिंड की जो गुरुत्वीय सौर ऊर्जा का मान है, वो पिंड के प्रत्येक कण के अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो अपने पास ये समीकरण है, वो US इज इक्वल्स टू समेशन IJ बराबर J MIMJ पौन में RIJ, ये बनेगी समीकरण। तो पिंड की गुरुत्वीय सौर ऊर्जा के कारण ही पिंड के आसपास के क्षेत्र में पिंड का जो गुरुत्वीय विभव होता है, और गुरुत्वीय विभव से गुरुत्वीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम गुरुत्वीय फ्लक्स की अवधारणा पर विचार करते हैं। और गुरुत्वीय फ्लक्स का मतलब है किसी से सतह के लंबवत गुजरने वाले गुरुत्वीय बल रेखाओं से है, जैसे पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय फ्लक्स को इसके चारों तरफ खींचे गए काल्पनिक बंद पृष्ठ से पृथ्वी के केंद्र की ओर आने वाले गुरुत्वीय बल रेखाओं से समझ सकते हैं। इस पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है प्राप्त होता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, अतः पिंड के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र का मान गुरुत्वीय विभव के ग्रेडियंट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी F इज इक्वल्स टू माइनस DU इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू माइनस डेल U, ठीक है। किसी भी संरक्षी क्षेत्र में एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य शून्य होता है, तथा इसे हम गणितीय भाषा में समझें तो ये कर्ल के प्रमेय के अनुसार ये बन जाएगा। अब अपने गॉस की बात करें तो गॉस की समीकरण के अनुसार क्या है, गॉस समीकरण तो गॉस प्रमेय गुरुत्वाकर्षण के नियम का ही दूसरा रूप है। इस प्रमेय के अनुसार किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में विद्यमान किसी बंद सतह से संबंध या गुजरने वाले संपूर्ण गुरुत्वीय फ्लक्स का मान सदैव सतह के भीतर कुल द्रव्यमान के समान होता है, यानी कि ये समीकरण पर प्राप्त हो जाएगी। तो पार्श्व समीकरण है, पार्श्व समीकरण के अनुसार क्योंकि स्टोक के प्रमेय से हम किसी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स के लिए समाकलन को आयतन समाकलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका समाकलन करने पर अपने को ये पार्श्व समीकरण प्राप्त होती है। गॉस समीकरण 3 में हम पिंड के द्रव्यमान को उसके घनत्व के रूप में लिख सकते हैं। तो
ये इसका घनत्व हो गया और ये द्रव्यमान हो गया। गॉस के समीकरण से क्या होगा कि अपने को इससे पता चलेगा ट्रिपल समाकलन डेल डोटी और डीवी का, तो ट्रिपल समाकलन इज इक्वल्स टू वी रो एम डीवी। तो यहाँ से इसको अपने हल करेंगे तो ये ट्रिपल समाकलन है ये कॉमन आ जाएगा, डीवी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया डेली माइनस रो एम इज इक्वल्स टू जीरो बच गया, तो डेली का मान है वो रो एम प्राप्त हो गया। समीकरण नौ को ही हम उपवास समीकरण बोलेंगे। समीकरण नौ कौन सी है दोस्तों, तो समीकरण नौ ही अपनी उपवास समीकरण है। इस समीकरण को ही अपने उपवास समीकरण है जो बोलेंगे। तो ये अपनी उपवास समीकरण थी और गॉस की समीकरण थी। इस पे एक क्वेश्चन है वो दोस्तों बनने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको वो तैयारी कीजिए और इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।